हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बजट क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा इनके लिमिटेशंस कि आखिर बजटरी कंट्रोल के क्या लिमिटेशंस होते हैं। तो एक एक करके हम इनके लिमिटेशंस को समझते हैं। सबसे पहले आता है इट्स टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट रिजिडिटी इन ऑपरेशन विच इज़ हार्मफुल एज बजट एस्टिमेट्स आर क्वान्टिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ ऑल रिलेवेंट डेटा, देयर इज़ अ टेंडेंसी टू अटैच सम सॉर्ट ऑफ रिजिडिटी और फाइनलिटी टू देम। भाई बजटरी कंट्रोल के जैसे फ़ायदे हैं वैसे लॉसेस भी हैं, वैसे नुकसान भी हैं, क्योंकि ये मुझे रिजिड बना देता है। जब मुझे पता है कि मेरे पास 100,000 रुपये है तो मुझे इस 100,000 रुपये को कैसे खर्च करना है मैंने प्लान कर लिया है। अब मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ कि मुझे वैसा ही करना है, मुझे इसको डिफ़ीट नहीं करना, क्योंकि अगर मैं डिफ़ीट करूँगा तो मुझे लॉस होगा, मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे ये कभी कभी हार्मफुल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि हो सकता है कि मैंने जब सोचा था उस समय चीज़ें डिफ़र कर रही हों, जब मैं एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ, जब मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ उस समय की सिचुएशन कुछ और हो। तो मुझे समय के साथ फ्लैक्सीबल होना भी ज़रूरी है, और अगर हम फ्लैक्सीबल नहीं होते हैं तो बजटरी कंट्रोल मेरे लिए काफ़ी दुखदायक हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है इट बीइंग एक्सपेंसिव इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ स्मॉल अंडरटेकिंग। भैया थोड़ा सा ये खर्चीला है, क्यों? क्योंकि आपको स्मार्ट मैनेजमेंट चाहिए, और अगर स्मार्ट मैनेजमेंट चाहिए तो वो हैवी चार्ज लेंगे, यानी कि उनकी सैलरी काफ़ी बियरेबल एक्स्ट्रा आपको बर्डन दे देगी। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, जैसा कोई काम आता है तुरंत का तुरंत करने की सोचते हैं, वो बैठ करके पहले प्लान नहीं करते हैं कि मुझे ये काम को कैसे करना है, चलो और इसकी प्लानिंग करें, कोऑर्डिनेशन करें, कम्युनिकेशन करें, वो ये सब नहीं सोचते। वो सोचते हैं पहले काम करो, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि वो इतना खर्चा बेयर कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट आता है बजटिंग कैन नॉट टेक द पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। बजटिंग कोई मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट का पार्ट है बजटिंग। तो मैनेजमेंट ने अगर कोई गलती की तो काम सब गड़बड़ हो जाएगा। कोई बजट कोई टेक्निकल चीज थोड़ी ना कि जो अपने आप आपको बता देगा कि ये काम ऐसे करो ऐसा अच्छा होगा, कोई एक्सपर्ट सिस्टम थोड़ी ना, पर ये तो मैनेजमेंट का ही पार्ट है ना। तो सारा रोल मैनेजमेंट का है कि वो कैसा बजट बना के रखेंगे। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है कि मेरे लिए प्लस माइनस हो सकती है। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट आता है इट समटाइम लीड्स टू प्रोड्यूस कन्फ्लिक्ट्स अमंग द मैनेजर्स एज ईच ऑफ देम ट्राइज टू टेक क्रेडिट टू अचीव द बजट टारगेट्स। भैया क्योंकि ये मैनेजमेंट का काम है और हर मैनेजमेंट चाहता है कि मुझे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले, लोग मुझे ज़्यादा पूछे, तो वो चाहते हैं कि सारा क्रेडिट मुझे मिले। तो ये जो क्रेडिट की लालच है ना, ये लालच कभी कभी बड़ी दुखदायी हो जाती है, क्योंकि हर कोई अपना काम अच्छा करना चाहता है और दूसरे का काम गड़बड़ करेगा और जैसे कि मेरी तारीफ हो। तो ये चीज़ जब थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होती है तो ये प्रॉब्लम करना शुरू कर जाती है। सेवन पॉइंट आता है सिंपल प्रिपरेशन ऑफ बजट विल नॉट इंश्योर इट्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, इफ़ इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली इट मे लोअर मोरल। यानी कि आपको अच्छा बजट ही बनाना पड़ेगा। अगर आपने बेस्ट बजट बनाया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है तब आप ये उम्मीद करो कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने एक नॉर्मल बजट बना लिया कि हाँ ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे और ऐसे करना शुरू कर दिया, रिजल्ट क्या होगा कि बीच में आके प्रॉब्लम हो गई और आप उस चीज़ों को कवर कर ही नहीं पाए। तो एक अच्छा प्लान आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी जा करके आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, तब जा करके आपको उसका वैसा रिजल्ट मिलेगा जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है। लेकिन अगर नॉर्मल हवा में ही आपने बजट बना लिया तो काम नहीं चलेगा। लास्ट पॉइंट आता है द इंस्टॉलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए बजटरी कंट्रोल सिस्टम इज़ ए कॉस्टली अफेयर एज इट रिक्वायर्स एम्प्लॉइंग द स्पेशलाइज स्टाफ एंड इन्वॉल्व्स अदर एक्सपेंडिचर मे फाइंड डिफिकल्टी टू इनकर। भैया क्या कहता है कि भैया ये तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि भैया थोड़ा खर्चीला है, इसमें आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, आपको ट्रेंड स्टाफ रखना पड़ेगा, स्किल्ड वर्कर्स रखने पड़ेंगे जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है। आप ट्रायल और एरर नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि आपने सोचा है कि मुझे कॉस्ट की कटिंग करनी है और बेस्ट रिजल्ट चाहिए। तो आप ट्रायल एंड एरर वाला ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आपके पास बेस्ट स्टाफ होना चाहिए, बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, बेस्ट बजट होना चाहिए, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए, तब जाकर के आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा खर्चेला हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। ये क्लासिफिकेशन ऑफ बजट क्या है? देखो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ बजट जो मैं आपको यहाँ पे अभी आपकी स्क्रीन पे है, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, बजट हमारे तीन तरह के होते हैं। एक होता है फंक्शन बजट, एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी बजट, एक होता है टाइम बजट।
टाइम बजट का मतलब ये है जो समय समय पर बनाया जाता है, एक लॉन्ग टर्म डिसीजंस के लिए, एक शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए, करंट सिचुएशन के लिए, और एक रोलिंग। रोलिंग का मतलब कि मैंने लॉन्ग टर्म बनाया था उसको कन्वर्ट करना है शॉर्ट टर्म में, मैंने शॉर्ट टर्म बनाया तो उसको कन्वर्ट करना है आज के सिनेरियो में, तो वो हो गया रोलिंग। तो ये टाइम टू टाइम बेसिस पे बजट बनाया जाता है। जब हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बोलते हैं तो ये एक फिक्स बजट होता है, फ्लेक्सिबल बजट होता है। फिक्स का मतलब भैया कि ये चीज़ ऐसी ही होगी, आपको वैसे ही फुलफिल करनी है। फ्लेक्सिबल कि अच्छा 50% की कैपेसिटी पे हम काम करें तो कैसा होगा, 60% पे काम करें तो कैसा होगा, 70% पे काम करें तो हमारे कॉस्ट पे क्या चेंजेस आएंगे, उस तरीके से बात करता है। फिक्स्ड मतलब बिल्कुल फिक्स्ड कि भैया 50 करो, 60 करो, 70% कैपेसिटी पे काम करो, ये खर्चा फिक्स्ड है, ये इनकम फिक्स्ड है। तो उस तरीके के बजट को क्लासिफिकेशन के फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट में रखा गया है। और जब मैं फंक्शन बजट की बात करता हूँ तो सेल का बजट बनाओ, प्रोडक्शन का बजट बनाओ, रॉ मटेरियल का बजट बनाओ, परचेज बजट, लेबर बजट, हर एक एंगल से हर एक चीज़ का आपको सेपरेट सेपरेट बजट बनाना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आपको लास्ट में जा करके मास्टर बजट बनाओगे, और मास्टर बजट इन सभी चीज़ों को कवर करेगा जो सब कुछ इंक्लूड होगा, जिसमें सेल भी होंगे, प्रोडक्शन भी होगा, रॉ मटेरियल भी होगा, एक्सपेंसेस भी होंगे, इनकम भी होगा, हर एक चीज़, हर तरीके के ओवरहेड सब कुछ कवर्ड होगा। उसको फाइनली हम बोलेंगे मास्टर बजट, क्योंकि आपको हर एंगल से अपनी चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप कहीं पर भी देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर काम के लिए अलग अलग पर्सन अपॉइंट होते हैं। एक होता है जो मैनेजमेंट करता है, एक होता है जो ऑपरेशन का काम करता है, एक होता है जो मार्केट का काम करता है, एक होता है जो एडवर्टाइजमेंट का काम करता है, या अलग अलग एक होता है जो पब्लिक डीलिंग का काम करता है, कस्टमर डीलिंग का काम करता है, क्यों? तो हर पर्सन आपके पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हर चीज़ की आप अलग अलग काम करो, और इन सबको मैनेज करने के लिए एक सुपीरियर प्रिंसिपल भी होता है, मैनेजर भी होता है, तो वो है मास्टर बजट, जो आपको सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन देगा। एक बार हम समझते हैं मास्टर बजट को। क्या होता है मास्टर बजट, ध्यान से पढ़िएगा। द मास्टर बजट इज़ अ रिव्यू बजट विच कम्बाइंस ऑल फंक्शनल बजट। तो फंक्शन में हमने सेल्स, परचेज, रॉ मटेरियल, कैश और ओवरहेड सब कुछ देखा था, तो ये सब चीज़ों को कंबाइन कर लेता है, एंड इट मे टेक द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द बजट पीरियड, और नॉर्मली ये एट द एंड ऑफ द पीरियड बनाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग बजट। ये बेसिकली सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, तो ऑपरेशन का काम ये मैनेज करता है। इट इम्प्रेसेस द इम्पैक्ट ऑफ बोथ ऑपरेटिंग डिसीजंस एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। भैया ये सारी चीज़ों को देखता है, चाहे वो ऑपरेटिंग डिसीजन हो, चाहे वो फाइनेंसिंग डिसीजन हो। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी प्लान फॉर ऑपरेशंस ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ऑल डिटेल बजट्स हैव बीन कंप्लीटेड। ए मास्टर बजट बिकम्स अ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ द इंडस्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड इट कवर्स। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या करता है, वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, एक मैनेजमेंट होता है जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, सबको देख रेख करता है, सबके सुपीरियर्स को देखता रहता है कि भैया हर कोई हर काम अच्छे तरीके से करे। भैया एक बैंक मैनेजर होता है, एक कैशियर होता है, कई सारे और भी अलग अलग लोग होते हैं, तो बैंक मैनेजर का काम होता है कि वो इन सभी लोगों के ऊपर नज़र बनाए रखे। तो यूँ कर लो कि एक तरीके का ये बैंक मैनेजर है, मास्टर बजट है जो सबको देख रेख करता है। एक्चुअली बजट्स हैव टू बी अमेंडेड सेवरल टाइम्स बिफोर द पोजीशन डिस्क्लोज बाय द समरी बजट इज एक्सेप्टेड। एक्चुअली होता क्या है कि समय समय पर हो सकता है कि हमें अपने बजट को चेंज करना पड़े, क्योंकि जब हमने बजट बनाया था उस समय सर्कमस्टांसेस और थे, और जब मैं बजट को जो अपने काम को एग्जीक्यूट करने की बात कर रहा हूँ उस समय चीज़ें बदल चुकी होती हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी हो सकता है कि मुझे समय समय पर चीज़ों को बदलना पड़े। तो इसीलिए इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है कि वो उन सारी चीज़ों की एक समरी प्रिपेयर करके हमको देता है कि फाइनल आउटकम बताओ कि हर चीज़ का कितना आया। ए मास्टर बजट इज़ एन एनुअल प्रॉफिट प्लान विच मे बी ब्रोकन इनटू मंथ्स और क्वार्टर्स। यानी कि ये एक एनुअल प्रॉफिट प्लान है, इसको आप चाहो तो मंथली और क्वार्टरली में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे लास्ट टॉपिक मेरे पास आता है, वह है बजट्स रिपोर्ट। ये बजट रिपोर्ट्स क्या होती है? Ascertaining budget in itself is of no use unless there is a constant flow of budget report showing assessment of actual and the budget figure. भैया अब आपने जो काम किया है उसकी रिपोर्ट बनानी है, उसको असेस करना है कि हर काम सही है कि नहीं है। ये काम आप तभी कर पाओगे जब आपने पुराने सारे बजट अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे और आपने एक्चुअल इन्फॉर्मेशन अपने पास रखी होगी, क्योंकि तभी आप जा करके वेरिएशन निकाल सकते हो और वेरिएशंस का रीज़न दे सकते हो कि आखिर ये एडवर्स हैं तो क्यों है, ये फेवरेबल है तो क्यों है। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट। ये लास्ट में आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। इट शुड बी प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवेशन लाइक
interval like every month showing result of the difference between actual and budgeting figure. The report should be prepared in such a way that they establish responsibility for the variances. Report should also disclose whether or not variance are favorable and they आर कंट्रोलेबल. यानी कि आप रिपोर्ट बनाते हो और आप देखते हो कि जो वेरिएशन आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं. जब वेरिएशन आ रहे हैं क्या उस वेरिएशन को हम संभाल सकते हैं, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. जो अगर मेरे लिए एडवर्स होने वाला है तो ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज़्यादा एडवर्स हो जाए, क्या पॉसिबिलिटी है कि हम उस एडवर्स सिचुएशन को रोक लें, कम कर लें, उस खर्चे को बचा लें. तो कोई भी काम करने के लिए ये फाइनल रिपोर्ट हमें उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है. होपफुली आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होंगी. इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप कॉन्टैक्ट करिए हमारे पास. थैंक यू फॉर दिस क्लास. हैव अ नाइस डे.